सब्सक्राइब करें हमारा भारत चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं आगे आने वाली सारी वीडियोस के लिए। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारा भारत चैनल पर एक और फ्रेश वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे आयसर 364 की। क्या वाकई में ये 2019 में गदर मचा पाएगा? कंपनी ने क्या क्या अपग्रेड किया है, क्या क्या नए फीचर हैं इस ट्रैक्टर में और क्या नया स्पेशल आया है? क्या वाकई में ये गदर मचा पाएगा 2019 में? तो इसके बारे में बात करेंगे, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं आयसर 364 ट्रैक्टर की। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या नया अपग्रेड हुआ है ट्रैक्टर में और क्या क्या नई चीज़ें आई हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, गदर तो मचा ही पाएगा ट्रैक्टर, क्योंकि कम कीमत में और इतने ज़्यादा फीचर आयसर कंपनी इस ट्रैक्टर में दे रही है, तो हो सकता है गदर मचाए और काम तो अच्छा करता ही है आयसर 364। आप सबको पता ही आयसर 364 का काम कैसा है, कैपेसिटी लिफ्टिंग के मामले में भी अच्छा है, जुताई के मामले, बुआई के मामले में भी अच्छा है, गान के मामले में भी अच्छा है और लोडिंग वगैरह सब चीज़ों में अच्छा ट्रैक्टर है। काफ़ी चीज़ें मशीनों पे भी चलता है, कुछ मशीनों पे भी सेट हो जाता है, हार्वेस्टर वगैरह पे, तो वहाँ पे भी सही काम करता है। छोटे हार्वेस्टर पे, बड़े हार्वेस्टर पे तो सेट नहीं होता, लेकिन छोटे हार्वेस्टर पे ये सेट होता है। तो देखते हैं कितना गदर मचाएगा ये 2019 में। इसके बारे में मुझे कमेंट करके आप भी बताइएगा और बता देता हूँ मैं भी क्या क्या कंपनी ने इसमें अपग्रेड किया है, नई चीज़ें क्या क्या लाई हैं और क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों, मैं आपको जो प्राइस बताता हूँ वो आपको मैं ट्रैक्टर का लिस्ट प्राइस बताता हूँ। अगर आपके यहाँ थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो वो स्टेट वाइज अलग चेंज होता है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। स्टेट वाइज अलग होता है, ऑन रोड प्राइस अलग होता है और एक्सोरूम का प्राइस अलग होता है। तो अगर एक्सोरूम का होता है तो मैं एक्सोरूम का बताता हूँ और अगर ऑन रोड प्राइस होता है तो ऑन रोड बताता हूँ। तो आज बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो 35 हॉर्स पावर का है ट्रैक्टर। अब हॉर्स पावर की बात भी करूँ तो हॉर्स पावर अलग मॉडल में हर साल अलग अलग हॉर्स पावर होते हैं। कंपनी कम ज़्यादा हॉर्स पावर करती है मॉडल्स में भी और हर साल उसमें चेंजेस लाती है, कुछ भी कम और ज़्यादा। तो 2019 की बात कर लेता हूँ मैं, तो इसके हॉर्स पावर हैं 35। आयसर 364 के एचपी की रेंज है 35। दो सिलेंडर का है ट्रैक्टर और क्यूबिक कैपेसिटी है इसमें 1963 की। फ्यूल इंजेक्शन पंप इनलाइन दिया हुआ है। अब फ्यूल इंजेक्शन पंप, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया इनलाइन का मतलब क्या है, जो लाइन में ही अंदर दिया होता है, मतलब अलग से इंजेक्शन पंप एक बाहर बॉडी में दिया होता है और एक इनलाइन है, तो वो इनलाइन दिया हुआ है। क्लच की बात करूँ तो सिंगल क्लच का है ये ट्रैक्टर और ट्रांसमिशन टाइप इसकी बात करूँ तो सेंटर शिफ्ट दिया गया है कॉम्बिनेशन और कंस्टेंट स्लाइडिंग मैस के साथ। 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स के गियर हैं इसमें। टायरों की बात कर लेते हैं तो 6x16 के इसके फ्रंट के हैं और पिछले टायर इसके 12.4x28 के हैं। फॉरवर्ड की स्पीड इस ट्रैक्टर की 28 किलोमीटर प्रति घंटे की है और पीटीओ इसका लाइव दिया गया है। पीटीओ की जो स्टैंडर्ड स्पीड है 1000 है। मल्टी स्पीड और रिवर्स इस मॉडल में नहीं दिया है कंपनी ने। लिफ्ट की कैपेसिटी की बात करूँ तो इसका 1200 किलोग्राम की लिफ्ट की कैपेसिटी है और 3-point लिंकेज की बात करूं तो ऑटोमेटिक डेप्थ और ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ दिया गया है। डिस्क ब्रेक दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में। स्टेयरिंग मैकेनिकल है। अगर पावर आता है, अभी इसके ब्राउज में कुछ ऐसा नहीं दिया गया है कि भाई पावर भी आएगा, लेकिन मैकेनिकल दिया जा रहा है इसके नए मॉडल में। अगर पावर आप लेना चाहते हैं तो एक बार एक्सोरूम से बात कर लीजिएगा कि अगर पावर इसमें आ रहा है तो पावर मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल्स की बात करते हैं तो 12 वोल्ट 75 AH की बैटरी है। फाइनली आते हैं इसके प्राइस पे, तो इसका एक्सोरूम का प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सोरूम का प्राइस इसका 4,63,000 रुपये है। इसमें आपको 10-20 हज़ार ऊपर या नीचे आपके पास हो जाएगा और आपको महंगा 5-20 का भी पड़ सकता है कुछ जगह पर, यह कुछ स्टेट में ये महंगा भी पड़ेगा क्योंकि ये स्टेट वाइज टैक्स भी कटता है इसमें। तो टैक्स जब गवर्नमेंट लगाती है तो वो हर स्टेट का डिलीवर चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, बहुत सारे चार्ज जोड़ के उसको थोड़ा प्राइस ज़्यादा रख लेती है। लेकिन आपका एक्सोरूम से जो इसका लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस का मतलब जो कंपनी प्राइस करके देती है, भाई प्रोडक्ट का ये प्राइस है, अब इस पर इतने डिस्काउंट हैं, इतना टैक्स लगेगा, ये सब चीज़ें अलग होती है। तो लिस्ट प्राइस इसका 4,63,000 रुपये है। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो, और शेयर कर देना गाइज, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी।
क्या ये ट्रैक्टर वाकई में गदर मचा पाएगा? तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।